मैं बना रही हूँ यहाँ पर आम की चटनी, और आज बना रहे हैं मिस्टर वर्मा बहुत ही स्वादिष्ट मटन। यहाँ पर आप कितना मटन लाए हैं? ये 800 ग्राम मटन है। ये मटन का पीस दिखा दीजिए, कौन कौन सा है? ये नली पीस है। हाँ। ये चाप पीस है। ये गुर्दा है। हाँ। ये कलेजी है। और ये कच्ची घानी का सरसों का तेल है ना? ये हम प्योर से खाली इंजन ब्रांड यूज करते हैं, दूसरा। और ये है इंजन का सरसों का तेल है, और इसको अभी धोइएगा। हाँ, धोएंगे अभी थोड़ा खाली। मसाला मसाला में दिखा दीजिए और क्या क्या है, और मटन का मसाला में आप क्या क्या लिए हैं? हम जो लेते हैं ना, किसी को बताते हैं, हम अपना ढंग से खड़ा मसाला में बनाते हैं। और जितना भी किसी को हेल्प की जरूरत नहीं है। अब फूड ब्लॉगर लोग जो भी आते हैं तो आप ही का हाथ का मटन पसंद करते हैं। तो चलिए यहाँ पे मसाला दिखा दीजिए। ये तो आधा किलो प्याज काटे हैं। कितना मटन में कितना प्याज काटे हैं? ये 800 ग्राम में तो 500 ग्राम, ये 400 ग्राम प्याज होगा। आज हल्का सा पेस्ट है, अदरक लहसुन, ये हल्का सा पिसा हुआ मसाला है, जिसमें जीरा है, मरीच है, मतलब गोलकी है, लहसुन है, हल्का सा अदरक। पूरा टिपिकल जो हम लोग बेसिक मसाला पीस के रखते हैं। डेढ़ चम्मच इस स्पून से, डेढ़ स्पून ये हल्दी है, ये लाल मिर्ची है तीखा लाल। और यहाँ पर सारा बोले स्पाइसेस, थोड़ा सा हमने लहसुन काट लिया है, थोड़ा सा अदरक है, थोड़ा सा हरी मिर्ची है, ये थोड़ा जीरा गोलकी है, जीरा मरीच आप बोलते हैं ना, देसी मिर्च है 4-5, देसी मिर्च है, ये तेजपत्ता है, ये खड़ा गर्म मसाला, ये लकड़ी ज्यादा नहीं लग रहा है ना, एक हटा दीजिए, बहुत नहीं, दालचीनी का स्वाद आ जाता है, उतना नहीं पड़ेगा, एक हटा दीजिए। तो सारा गर्म मसाला है, नहीं वो बड़ा वाला हटाइए, बहुत दालचीनी नहीं, बहुत गर्म मसाला खर्चा करता है। तो चलिए ये है तेजपत्ता। हाँ। है, अब हम इसमें सरसों तेल डाले हैं, ठीक है, हम इसमें करीब 75 से 100 ग्राम के बीच में डालेंगे। डालिए यहाँ पे। कहता है कि मटन बनाना बहुत भारी काम है, मटन बनाना सबसे आसान काम है। आसान नहीं है, लेकिन मसाला जो है, मसाला का कॉम्बिनेशन पे भी तो ध्यान देना जरूरी है। मसाला मटन में हम ज्यादा मसाला भी नहीं डालते हैं। नहीं ना। अभी ऐसा पसीना पसीना हो गया, सोचिए हम कितना खाना बनाने में हमको मेहनत लगता है। तो चलिए यहाँ पर तेल गरम हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए तेल एकदम से गरम हो गया है, तो ये जितने भी मसाले के चेक कर रहे हैं, तो चलिए ये तेल अभी और गरम होगा। तो बड़ी इलायची का मुंह खोल दें, और चलिए मेरा तेल अब एकदम से कड़क गया है, तो पहले हम लहसुन डालेंगे। तेल कड़क गया है, देखिए लहसुन डाल रहा है इसमें, थोड़ा सा हो जाए, नहीं तो उजला उजला रह जाएगा। अच्छा, लहसुन को एकदम से लाल करना है। हाँ। सारे हम ये सब डाल देते हैं, फोरन का, ये फोरन का सब डालिएगा, डालिएगा, मीट भी बनेगा। अच्छा ठीक है, चलिए सारा खड़ा गर्म मसाला, तो तेल में चला गया है, और इतना ये लहसुन जो पहले पड़ा है ना, तो उसका सुगंध बहुत अच्छा आ रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, देसी मिर्च भी है, हरी मिर्च भी है, देखिए इसको अच्छी तरह से चलाना है। और ये फोरन चटक गया तो सारा प्याज डाल दीजिएगा। हाँ। हाँ। सभी प्याज को डाल देना है। बाद अच्छी तरह से इसको चलाएंगे। कितना देरी भूनिएगा प्याज? प्याज थोड़ा लाल हो जाएगा, गुलाबी। हाँ, गुलाबी कलर हो जाएगा। और 5 मिनट। हाँ। और तब तक प्याज धो रहा है, तब तक ये मटन धो रहे हैं, तो मटन को बहुत ज़्यादा धोने की ज़रूरत नहीं है, है ना? और बोरी रोड में शाहबुद्दीन जी के यहाँ का, ये मैं कोई प्रचार नहीं कर रही हूँ, आज से नहीं, लगता है कि आप 200 साल से ला रहे हैं, है ना? 2500 साल से ला रहे हैं उनके यहाँ से, देख सकते हैं उनके यहाँ का मटन बहुत अच्छा रहता है। देखिए मटन है तो चलिए धुल गया है, बड़ी चीज़ें, और मटन में सब पानी छान के हटा देना है। देखिए मिस्टर वर्मा का जो फेवरेट पीस होता है, गुर्दा खाते हैं, चर्बी सब लोग बोलता है, मिस्टर वर्मा को चर्बी नहीं दीजिए, चर्बी नहीं खाते हैं, चर्बी पीस नहीं खाते हैं, नहीं ना, तो आपका हम चर्बी वाला मीठे नहीं लाते हैं, खसी देख के नहीं, एक बार लाए थे तो सब हमारे व्यूवर्स लोग कमेंट्स कर रहे थे। हाँ। चलिए यहाँ पर, चलिए फिर मटन धुला गया है, तो यहाँ पर प्याज को देखिए हल्का गुलाबी हो गया है,
मटन डाल दीजिएगा ना, प्याज हल्का गुलाबी हो गया, तो देखिए ये सारे मटन को डाल देना है। और उसके बाद अच्छी तरह से चलाना है। कितना देर चलाइएगा? 5 मिनट। 1 मिनट चलाना है। थोड़ा सा मटन जो है तेल में फूल जाए तब इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और हम लोग जो मटन बनाते हैं ना, तो प्याज के साथ ही मतलब ये मटन को गलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए नमक डाल रहे हैं, और यहाँ पे नमक डाल रहे हैं। तो देखिए कोई भी मसाला जो है ना, तो मतलब सब अलग हम निकाल लेते हैं जब भी नॉनवेज बनता है। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं कि मसाला जो है मतलब सब एक साथ, देखिए सब हम अलग निकाल लेते हैं डब्बा से। और नमक डालने के बाद अच्छी तरह से फिर एक बार चला लेना है ना, कि सारा नमक जो है वो मटन में मिल जाए। देखिए तेल में जो है ना एकदम मटन फूलने लगा है। देखिए थोड़ा सा ट्रिक के साथ बनाइएगा ना, तो एकदम हांडी मटन के जैसा आपका मटन बनेगा। और ये मसाले हैं ना, तो इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा पानी कि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। हाँ, तो मसाला जो है ना जले नहीं। ऐसे पहले क्या था ना कि सब लोग सिलबट्टे पे पीसते थे मसाले को, तो वो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता था और पानी वाला मसाला होता था। लेकिन अब तो सूखा मसाला अब किचन में बनने लगा है, तो इसीलिए थोड़ा सा हम लोग पानी डाल देते हैं। अगर सिलौटी पे पीसते तो कोई ज़रूरत नहीं था, वो ऑलरेडी पानी डाल के पीसा हुआ रहता है। तो चलिए सारा ये मसाला मटन में डाल देते हैं। और ये सारा जो है मसाला मटन में डाल देना है। थोड़ा सा ये मटन वाला, ये मसाला वाला पानी है उसको भी डाल दें। देखिए सारा मसाला मटन में डाल दिए हैं। और हम लोग जब भी बनाते हैं कोई पैकेट वैकेट वाला मसाला नहीं डालते हैं, उस सबसे टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो चलिए इसको अब गैस का फ्लेम कितना रखना है? अभी थोड़ा सा तेज रखेंगे, फिर नॉर्मल कर देंगे। हाँ, कितना देरी तेज है? 5 मिनट। हाँ, 5 मिनट। उसके बाद एकदम लो फ्लेम पे रख देना है, क्योंकि मीट पकाने में थोड़ा टाइम लगता है। 45 मिनट तो मान के चलिए कढ़ाई में। और कुकर में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि कुकर में, तो कुकर में क्या है ना कि 4 सीटी में गल जाएगा, लेकिन मटन देखिए महंगा हो गया है, तो उसको आराम से बहुत ही धीरे धीरे मसाले के साथ पकाएं ना, तो उसका स्वाद बहुत दिन तक याद रहता है। और देखिए मटन बनाते बनाते पसीना पसीना हो गए हैं, और हम तो डेली इतना थाली बनाते हैं। तो चलिए अब तो 5 मिनट हो गया, अब ढक दीजिए। और अब देखिए 5 मिनट तक ये तेज आँच में मसाले भून गए हैं, और एक बार फिर से चला देना है। 5 से 10 मिनट ये तेज आंच पे, देखिए ये एकदम से मसाला मिल गया है। तो चलिए अब इसको ढक्कन हम लगा देते हैं। ढक्कन लगा करके गैस को सिम कर दी। हाँ, अब ये बीच बीच में फिर चलाते रहना है। चलिए एक बार बीच में हम चेक कर लेते हैं। इसको एक बार बीच में हम चला लेंगे, और गैस का फ्लेम देखिए एकदम से कम ही है। और यहाँ पर ये आम का चटनी, आम धनिया का चटनी पीसना है, और यहाँ पर चावल का भी पानी चढ़ा हुआ है। तो चलिए बीच में एक बार इसको चला लेंगे। देखिए धीरे धीरे जितना प्याज गलेगा ना, उतना ही मटन एकदम कुकर के जैसा ये गल जाएगा। तो चलिए देखिए ये ग्रेवी बनना शुरू हो गया है। तो चलिए फिर से इसको हम ढक देते हैं। और यहाँ पर सलाद भी काटनी है, सिर्फ प्याज काटना है। ये कच्चे आम की चटनी खाएंगे आज मटन के साथ। तो उस दिन मैं बनाई थी तो थोड़ा सा धनिया कम हो गया था, तो इसीलिए गुस्सा हो गए थे। तो आज बोल रहे थे हटो हम ही पीस लेते हैं, लेकिन मैं बोली कि नहीं, अच्छा समय पीस दूंगी। तो उसको बनाने के लिए ना यहाँ पे धनिया और मिर्च को रोस्ट करके बनाना होता है, तो परफेक्ट मेजरमेंट नहीं होता है तो नहीं खाते हैं। तो खाना में थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब हर चीज़ परफेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये ठंडा हो गया है, धनिया और देसी मिर्च है। थोड़ा थोड़ा आम डाल के थोड़ा पानी डाल करके पीस ले, और ये चटनी बहुत स्वादिष्ट लगती है। और बहुत सारे कमेंट्स आए क्या क्या लहसुन डाल सकते हैं, लेकिन लहसुन डालिएगा ना तो उतना स्वाद नहीं लगेगा। और इसमें बस ये पीस के, और सरसों तेल जितना डालिएगा ना उतना ही स्वादिष्ट लगेगा। अगर इसको एक सप्ताह तक रखना चाहते हैं तो शीशे के जार में रख दें, और डालने के बाद ना सरसों तेल बहुत अच्छी तरह से इसे मिलाना है। जितना मिलाइएगा चटनी उतना ही स्वादिष्ट होगा। और नमक भी स्वाद के अनुसार मैं डाल दी हूँ, तो ये चटनी भी बन करके तैयार है। तो चलिए मटन चेक कर लेती हूँ।
यहाँ पर देखिए, देखिए एकदम से ये फ्राई हो गया है। 5 मिनट तक इसको भूनेंगे, उसके बाद थोड़ा सा हम ग्रेवी लगा देंगे क्योंकि मटन थोड़ा और पकेगा। तो ये अच्छी तरह से भुना गया है थोड़ा सा। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम फिर से ढक के छोड़ देंगे, उसके बाद दिखाते हैं कि मटन बन करके कैसा तैयार हुआ है। और यहाँ पर चलिए देख लेती हूँ, गैस का फ्लेम अब बंद कर दी हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये मटन का ग्रेवी कितना अच्छा बन करके तैयार हुआ है। तो खड़े मसाले के साथ भी मटन बहुत टेस्टी बनता है। बहुत अलग अलग तरीके से मटन की रेसिपी मेरे चैनल पे भी है, फेसबुक पेज पे भी है, तो आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं खाना निकाल देती हूँ। और जब भी मटन या बिरयानी वगैरह मैं बनाती हूँ, थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि मिस्टर वर्मा के 3 से 4 फ्रेंड लोग भी हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। उन लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं, तो मैं सबके लिए ही बना देती हूँ। तो यहाँ पर चलिए मटन बहुत अच्छी तरह से पक चुका है, तो अब चलिए थाली लगा देती हूँ और दिखाती हूँ कि ये तोड़ने के बाद कैसा लगता है। तो आप लोगों को दिल से धन्यवाद है मेरी वीडियो को शेयर करने के लिए। आपका एक शेयर जो है ना, मेरी लाइफ को चेंज कर सकता है। और भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आऊँगी। और यहाँ पर देखिए मिस्टर वर्मा का खाना लग चुका है। और ये धनिया पत्ता की चटनी, धनिया आम की चटनी इन्हें बहुत पसंद है। धनिया पत्ता की चटनी मतलब अलग अलग थाली में अलग अलग जायका खाते हैं, जो मैं बना के देती हूँ। और यहाँ पर देखिए ये काफ़ी गर्म है, देखिए कितनी अच्छी तरह से पक गया है। और जल्दी जल्दी से आप लोग लाइक भी कर दे, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर दे, शेयर कर दे मेरी वीडियो को, और ढेर सारा प्यार दे मेरी रेसिपी को। मिलती हूँ कल एक अच्छे से थाली के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।